अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाब के अंदर कबूतर देखना कैसा है और इसकी तबीर क्या है, ये मेरे भाई जानिए। मेरे भाई, ख्वाब में कबूतर देखना औरत या कनीज पर दलील होता है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि इसी ने कबूतर पकड़ा है, दलील है कि औरत करेगा और इसी के यहाँ लड़की होगी। और अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि इसी ने बहुत से कबूतर पकड़े हैं, इस ख्वाब की तबीर ये है कि इसी कदर औरतें करेगा या गोलियां खरीदेगा। अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखे कि इसी ने कबूतर का गोश्त खाया है, और इस ख्वाब की तबीर ये है कि औरतों के माल से फायदा पाएगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखे कि कबूतर के बच्चे पकड़े हैं, इस ख्वाब की तबीर ये है कि औरतों से नफा पाएगा। और बाद अहले तबीर ने बयान किया है कि कबूतर का बच्चा ख्वाब के अंदर देखना, पकड़ना गम व निदा और परेशानी और मुसीबत पर दलील है। जो ये मुसीबत और गम इसको औरतों की तरफ से पहुंचेगा। अगर ख्वाब में देखे कि इसी के घर में बहुत से कबूतर हैं, इस ख्वाब की तबीर ये है कि इसी के बहुत से बेटे होंगे। अल्लाह ताला इसको बेटों की नेमत देगा और इसके ज्यादा बेटे होंगे। और कहते हैं कि इसी को औरतों की तरफ से बहुत सा माल हासिल होगा। ख्वाब में कबूतर आजाद औरतें हैं। अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि किसी का कबूतर हिलने से पकड़ा है, इस ख्वाब की दलील है कि इसी कदर माल मकर और हिले से ये आदमी हासिल करेगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखे कि कबूतर हवा से इसी के पास आया है और इसी का ताबियादार और फरमा बरदार ये कबूतर हुआ है, तो इस ख्वाब की तबीर ये है कि नाम मालूम जगह से इसी को नफा होगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखे कि इसी ने कबूतर को दाना डाला है, इस ख्वाब की तबीर ये है कि किसी औरत को बात की तलकीन करेगा, नसीहत करेगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर देखे कि बहुत से कबूतर जमा हुए हैं और ये आदमी जानता है कि ये कबूतर इसके हैं और ये कबूतरों का मालिक है, तो इस ख्वाब की तबीर ये है कि सरदारी और रियासत पर दलील है कि ये सरदारी आदमी आएगा, अल्लाह ताला इसको इज्जत और शोहरत देगा। और ख्वाब में सफेद कबूतर दूसरों की निस्बत बेहतर होता है। मेरे भाई, अगर कोई ख्वाब में औरत देखे कि कबूतर सब्ज है, इस औरत ने सब्ज कबूतर देखा है, तो इस ख्वाब की दलील ये है कि शोहर करेगी, शादी करेगी या इसी के यहाँ लड़की पैदा होगी। अगर तो ये औरत शादीशुदा है तो इसने सब्ज कबूतर देखा है, तो फिर इसके यहाँ बेटी लड़की पैदा होगी। अगर ये औरत कुंवारी है या बेवा है तो फिर ये औरत शोहर करेगी। और ख्वाब में कबूतरबाजी, कोई आदमी देखता है ख्वाब के अंदर कि मैं कबूतरबाजी कर रहा हूँ, ये जिस तरह लड़के करते हैं कबूतरबाजी, तो मेरे भाई ये बेहुदा काम है। इसी तरह हदीस में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना में थे, तो एक लड़का जवान एक कबूतर के पीछे भाग रहा था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान शैतान के पीछे भाग रहा है। तो ये मेरे भाई बेहुदा काम और गंदा काम है, देख करेगा। और ऐसे आदमी को बुरे कामों से बचना चाहिए, तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। मेरे भाई, ख्वाब में कबूतर खाना औरतों की जगह है। कोई ख्वाब में मेरे भाई, जो ख्वाब में कबूतर पांच वजह पर दलील होती है, औरत कनीज माल गायब का हक रियासत। कबूतरों का ख्वाब में देखना हर एक कबूतर के इवज बेदारी में एक दिरहम पाना है।